अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं। और आज है ईद का तीसरा दिन और आप सबको थर्ड डे ईद का बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग आज क्या कर रहे हैं? मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। आज मैं बस बिल्कुल रेडी भी नहीं हुई और घर के आम से कपड़े पहने, क्योंकि वो आज मैंने बहुत काम किया। आज हमारी मासी ने छुट्टी कर ली और आज आई नहीं मासी। और दूसरा ये कि एक दिन की छुट्टी पे हो गई थी हमारी मासी, तो कह रही थी कि एक दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, तो एक दिन छोड़े आप, उसने आज भी नहीं आई। देखिए आज मैं वेट कर करके फिर बर्तन वगैरह धोए हैं, फिर उसके बाद सफाई तो आज नहीं की मैंने, क्योंकि घर साफ ही था तकरीबन। बस मैंने ये किया कि बर्तन धो लिए, खाना वाना बनाना था, तो आज मैंने अपने बच्चों के लिए, माशाल्लाह रमज़ान में तो नहीं बना सकती थी बिरयानी, तो अब मैंने बच्चों के लिए बिरयानी बनाई आज, ज़रदा बनाया, और इसके अलावा मैंने उनके लिए खीर भी बनाई। और वो उसकी तो वीडियो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि ज़रदा और बिरयानी की पहले से मैंने वीडियो आप सबसे शेयर की थी, वो बनाई थी, तो अभी मैंने फ़िलहाल तो बनाया है। अब ये लोग खाएँगे और फिर बताएँगे कैसे हैं। मेरे हस्बैंड बताते हैं, बच्चे तो नहीं बताते इतना, बच्चे तो बिल्कुल उनको तो उनको शर्म आती है आते हुए इसमें वीडियो में। जैन फिर भी आ जाते हैं, जैन और सुहेब, लेकिन सुनहर तो बिल्कुल नहीं आता। और बाकी आप सब सुनाएं, आपका ईद का तीसरा दिन कैसा गुजर रहा है, क्या किया आप सब लोगों ने, शेयर किया करें, आप भी कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे, ताकि मुझे पता चले कि आप सबको का दिन कैसा गुजरा, ईद का दिन कैसा गुजरा, और बाकी आप सब कैसे हैं। और आप सब मेरी वीडियो को भी बताएं कि आप सबको कैसे लग रहे हैं, और कमेंट्स अच्छे अच्छे करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप वीडियो मेरी पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और या अगर कुछ बेहतर आप चाहते हैं कि मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊं, तो वो भी सब मुझसे ज़रूर बताइएगा। ये क्या है, क्या है बेटा, क्या है? नहीं बताएं। अच्छा, ये जैन पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं मुझे, क्या है बाबा? फिर आगे जैन मुझे तंग करने के लिए, देखिए फिर आया परेशान करने के लिए मम्मा को, हम फिर तंग कर रहे हो मुझे, आना है आपको बताओ क्या है। गैस कर, कैसे गैस कर सकती हूँ मैं, दिखाओ। गैस कर, हाथ में पकड़ेंगे तो पता चलेगा ना बेटा, मुझे क्या पता, दिखाओ। मेरे लिए ये तो गिफ्ट, अच्छा दिखाओ, ये क्या यूट्यूब, ये तो यूट्यूब लिखा हुआ है, ये देखिएगा व्यूअर्स, वहाँ हो मग, कितना प्यारा है ये देखिएगा व्यूअर्स, इस साइड पे यूट्यूब लिखा हुआ है और इस साइड पे भी, प्यारा भाई ज़बरदस्त है, कहाँ से लिया बेटा इतना प्यारा? अब तुम्हें चाय इसमें पीऊँगी, आज आपने दिए, ये देखिएगा ईद का गिफ्ट कह रहा है, मैं ईद का गिफ्ट अपनी मम्मा के लिए लाया हूँ और मुझे दे रहा है जैन आज ईद का तीसरे दिन। बेटा पहले क्यों दिया, मैं इसमें चाय पीती अपने व्यूअर से दिखाती। अच्छा साथ में स्पून भी है, अच्छा ये साथ में स्पून भी है, स्पून मिला है साथ में मिला है, और ये कितना प्यारा गिफ्ट यूट्यूब का दिया है मेरे बेटे ने मुझे। और ये मैं चाय किस में पीऊँगी, इस मग में पीऊँगी, आप मुझे आज शाम में देते, मैं इसमें चाय पीती ना बेटा, अभी पानी पी लूँ। अब मैं इसमें चाय पीऊँगी। और कहाँ से लिया बेटा, कैसे ख़रीदा बताओ तो सही, व्यूअर्स बताइएगा क्या इस तरह के मग मिलते हैं, यूट्यूब वाले मग मिलते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का मग देखा है। और जो मेरे बेटे ने मुझे क्यों मिलते हैं क्या बेटा ऐसे मग, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। देखिए पैक भी कितना प्यारा है, ये देखिएगा यूट्यूब लिखा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे दिखाई देगा शायद आपको, उल्टा नहीं नहीं अभी उल्टा ही दिखाई दे रहा है। अच्छा तो ये इस तरह है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखिए यूट्यूब भी बहुत प्यारा लग रहा है लिखा हुआ, आपको सबको मेरे ख्याल में उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये कि इस तरह है, ये दिखेगा मेरा बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरे बाबा, जैन ने मुझे ये गिफ्ट दिया है मग, और ईद का गिफ्ट है देखिएगा, इससे बेहतर तोहफा
और क्या हो सकता है, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मुझे इससे बेहतरीन तो कोई तोहफा लगेगा भी नहीं ना, क्योंकि अब जो मैं इतनी मेहनत करी हूँ यूट्यूब पे। और ये स्पून भी छोटा सा, कितना प्यारा सा स्पून है, ये देखिएगा प्यारा सा स्पून भी साथ में है। और मैं चाय इसी मग में पीऊँगी, और जब पीऊँगी तो आप सबको भी दिखाऊँगी, आप सबसे भी शेयर करूँगी। अच्छा सा कैप भी है साथ में, ये देखिए। थैंक यू मेरे बेटा, इतना प्यारा मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच मेरे बेटा। अच्छा तो अभी ये खाना बच्चों को दूंगी मैं, क्योंकि ये जैन भी उठ गए हैं और जुनैर भी उठ के आ गए हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है कि खाना चाहिए इनको, तो इनको मैं खाना दूंगी और चलते हैं अब टेबल पर, और टेबल पे मैं खाना निकालूँ फिर उनके लिए रखूँ। तो फिर अभी लोग खाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। चलें फिर चलते हैं टेबल पर, और मेरे हस्बैंड ही खा के बताएँगे कि खाना कैसा बनाए। और आप सबको पता है वही मुझे बताते हैं, बच्चे तो नहीं कुछ बताते। मैं जैन का फिर मैं थैंक यू कहूँगी जरूर बाबा, बहुत बहुत थैंक यू बाबा इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। शाम में असल में मैंने चाय पी थी, तो जैन ने मुझे तब देते, तो मैं चाय आप सबसे शेयर भी करती। अब मैं आप सबसे शेयर भी करूँगी जब चाय बनाऊँगी, और चाय इसमें पीऊँगी वो भी आप सबसे शेयर भी करूँगी, और आप सब देखिएगा भी। अच्छा चलें चलते हैं टेबल पर, फिर आपसे बात करती हूँ मैं। टेबल पर चल के खाना निकाल लूँ मैं, वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप बस खाना रख के, खाना दे के फिर मैं अपने वीडियो का एंड कर दूँगी। चलिए ठीक है, अब टेबल पे चलते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स हम टेबल पर आ चुके हैं, और ये है हमारी मज़ेदार सी बिरयानी, और ये है चमचम और गुलाब जामुन वाला ज़रदा, मज़ेदार स्पेशल ज़रदा है। इसमें ड्राई फ्रूट भी है और चमचम और गुलाब जामुन भी है, और ये है बिरयानी मज़ेदार। अब खा रहे हैं मेरे हस्बैंड, और आज है ईद का तीसरा दिन, और आज मैंने ये खाना बनाया है बिरयानी और ज़रदा और साथ में खीर। खीर अभी मैंने रखी हुई है, और अभी बच्चों को बुला रही थी कि आ जाते वो खा लेते। अच्छा ये दही है, तो ये खाएं ज़रा, मैं भी खाती हूँ क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही है, रात के बज गए हैं 10। अच्छा अभी भी यही फील होता है व्यूअर्स, जैसे कि रोज़े हैं, मुझे तो यही फील हो रहा होता है ना। और मैं नमक भी नहीं चख रही थी, मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरा रोज़ा है। अच्छा रमज़ान की फीलिंग से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है ना, ऐसा लग रहा होता है ना रोज़े हैं ना, अभी सहरी कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, मेरे आम की रूटीन पे आने में टाइम लगेगा अभी। अच्छा ये है हमारी बिरयानी, और मेरे हस्बैंड ने कर दिया है खाना शुरू। अब ये मुझे बताएँगे कि खाना कैसा बना है, बताएँगे। अच्छा बना है, नमक वगैरह सब ठीक है, सब परफेक्ट है। अच्छा तो अभी हम ये खाना खाएंगे, और मैं भी थोड़ा सा लेती हूँ, मैं भी बताती हूँ। देखो मेरे ये वैसे पता चले कि ये मुझे वैसे ही तारीफ करते हैं या वाकई मैंने खाना अच्छा बनाया, ठीक है ना। आ जाओ बेटा जल्दी से आ जाओ सब। लग तो अच्छी रही है, वैसे दिखने में अच्छी लग रही है ना, वैसे भी अच्छी है। अच्छा व्यूअर तो आसान नहीं करता। हाँ अच्छा व्यूअर्स के सामने भी वो कह रहे हैं कि बोल दूंगा मैं, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो बोल दूंगा। अच्छा मैं भी खा के आपको बताती हूँ, मैं तो हाथ से खाती हूँ, चम्मच यूज़ करते हैं, मैं चम्मच से नहीं खाती। कौन मैं बिरयानी बनाना, पूरे रमज़ान में नहीं बनाए ना चावल हमने, मेरे सामने पूरे रमज़ान में चावल नहीं बने। सालन भी मेरे मुझे लगता है मैंने 3-4 बार बनाया होगा ना, ज़्यादा सालन भी नहीं बना। हम लोग अंडे वगैरह खाते थे या दही खाते थे, सालन भी कम ही बना। पोल्ट्री पियेंगे, वाह बाकी मज़ेदार बनी है, वैसे बहुत मज़ेदार बनी है। मेरे हस्बैंड ने वैसे ही मेरी तारीफ़ नहीं की, वाकई अच्छी बनी। नमक वाला हर चीज़ परफेक्ट है। नहीं बैठे बेटा सच्चे बता दो खाने को, ये दरबार से। अच्छा अब जोहे भी आ गए हैं, अभी जोहे भी खाना खाएंगे, और
अभी हम खाना खाते हैं, फिर मैं आप सबसे बात करती हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम खाना वाना खा चुके हैं और मैंने सारे बर्तन भी समेट दिए हैं, रख दिए हैं, और कल मासी आएगी वही धोएगी बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे दोपहर में, वो भी धोए। फिर उसके बाद फिर खाना वाना बनाया तो ज़ाहिर काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, सबको पता है। बस मैं अपनी वीडियो का यहीं पेंट करूँगी। रानी की दुनिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।